कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्थव, आप देख रहे हो क्रिकेट गुरु जी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या है टाइम आउट रूल। सो लेट्स गो। कल से ये चीज बहुत ही इंटरनेट पे वायरल जा रही है कि क्या है ये टाइम आउट रूल और क्या हुआ एंजेलो मैथ्यूज के साथ। तो कल की मैच में जो थी श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश ऑफ वर्ल्ड कप 2023, वहाँ पे हमें पहली बार टाइम आउट रूल से कोई बैट्समैन को आउट होते हुए देखा। तो बहुत लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होगी कि टाइम आउट रूल है क्या, और कुछ लोगों को ब्रीफ नॉलेज नहीं होगी अबाउट टाइम आउट रूल। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और साथ ही साथ क्या एंजेलो मैथ्यूज सही में आउट गिनाए जाएंगे या नहीं, उसके बारे में बात करने वाले वीडियो में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग टाइम आउट रूल के बारे में बात करते हैं। तो वो टाइम आउट रूल में होता ऐसा है कि अगर जब किसी बैट्समैन की विकेट गिरती है या फिर कोई बैट्समैन रिटायर होता है, तो जो उसके बदले में जो दूसरा बैट्समैन आता है, वो 2 मिनट के अंदर हम पिच के ऊपर रेडी होना चाहिए नेक्स्ट बॉल फेस करने के लिए। तो ये सिंपल सा एक मतलब होता है टाइम आउट रूल के बारे में। तो सिमिलरली अगर इस रूल को आप अप्लाई करोगे जो हुआ श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मैच में, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है श्रीलंका टीम के साथ। सो मैच के टाइम हुआ ऐसा था कि जब विकेट गिरती है श्रीलंका की, सो एंजेलो मैथ्यूज आते हैं स्ट्राइक पे। वो नॉर्मल अपने टाइम से आते हैं स्ट्राइक पे और पिच पे भी आ जाते हैं, और वो ही वॉज रेडी टू प्ले द बॉल। बट होता ऐसा है कि जब वो अपना हेलमेट फिक्स कर रहे होते हैं, तब उनका हेलमेट थोड़ा छोटा या फिर कुछ साइज इशू होता है, और जब निकाल के देखते हैं तो वो किसी और का हेलमेट होता है, जिसके कारण वो वापस से 30 yards तक जाते हैं और दूसरा हेलमेट लेने के लिए किसी को बेचते हैं, और सब्स्टिट्यूट फील्डर को बेचते हैं। तो उसी के दौरान जो टाइम आउट का जो रूल होता है वो शाकिब अल हसन को पता होता है, और वो अंपायर्स को जाके पूछता है कि इन लोगों ने 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले लिया है और अभी तक बॉल फेस नहीं किया है, तो हम टाइम आउट रूल के हिसाब से इनको आउट करवाना चाहते हैं। तो शुरू में अंपायर्स को भी ये लगा कि ये मस्ती मजाक कर रहे होंगे, लेकिन जब शाकिब अल हसन सीरियस हुए, तब अंपायर्स ने एंजेलो मैथ्यूज को भी बुलाया और डिस्कस करवाया कि ये आपको ऐसे आउट करवाना चाहते हैं। तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट और थोड़ा डिस्कशन हुआ दोनों कैप्टन्स के बीच में, बट एट दी एंड शाकिब अल हसन नहीं माने। उन्होंने अपनी जो अपील की थी अंपायर्स को, वो रिफ्यूज़ कर दी, जिसके कारण एंजेलो मैथ्यूज को आउट डिक्लेयर करवा गया। तो ये पहली बार हुआ क्रिकेट की हिस्ट्री में कि किसी बैट्समैन को टाइम आउट रूल के हिसाब से आउट करवा दिया गया हो। तो मेरा ओपिनियन अगर मैं दूँ, तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि दिस इज़ डेफिनेटली अगेंस्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। एंड एज वेल एज जब 2014 या फिर 15 में सेम सिनेरियो हुआ था बांग्लादेश टीम के साथ, उस टाइम श्रीलंका की टीम जो थी वो फील्डिंग कर रही थी, बट उन्होंने अलाउ किया था बांग्लादेश टीम के प्लेयर्स को, कि बांग्लादेश के बैट्समैन कुछ इक्विपमेंट्स भूल गए थे शायद से, तो वो अलाउ किया था श्रीलंकन टीम ने, और उन लोगों ने तब कोई ऐसा अपील नहीं की थी अंपायर्स को। सो मेरे हिसाब से ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। इससे क्रिकेट का जो स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट वो ख़राब होता है, और आपने पोस्ट मैच में भी देखा होगा कि हैंडशेक करने से भी रिफ्यूज़ कर रहे थे दोनों टीम्स के प्लेयर्स। सो ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट व्हाट इज़ टाइम आउट, और कल की मैच में क्या हुआ था और मेरा क्या ओपिनियन था अबाउट दिस कॉन्ट्रोवर्सी। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। और ये वीडियो मैंने थोड़ा स्लो वर्जन में बनाया, क्योंकि मैं एकदम स्लोली आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि क्या होता है टाइम आउट रूल एंड क्या हुआ था दोनों प्लेयर्स के बीच में। So thanks for watching and I'll see you soon.